एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि वाड़ी नगर निगम के कामकाज पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जहां नागरिकों को नालों की सफाई करनी होती है, वहीं दस्तावेज लेने के लिए नगरपालिका के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। अब वाड़ी नगरपालिका का बिजली विभाग रातों रात अंधा हो गया है, ऐसा सवाल उठाया गया है, क्योंकि शहर के अधिकांश हिस्सों में रात में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है लेकिन दिन में शुरू नजर आती है। आधा वाड़ी शहर आज भी अंधेरे में नजर आता है, जिसके कारण खूब चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। वाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को नियंत्रित करने के लिए नगरपालिका का बिजली विभाग जिम्मेदार है। हर दिन स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद करने के अलावा उन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करना उनके दैनिक कार्य का हिस्सा है जहां वे खराब है। फिलहाल स्ट्रीट लाइट का काम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को दिया गया है। शहर में स्ट्रीट लाइट को लेकर 8 साल का समझौता हुआ है। इस कंपनी को पूरे महाराष्ट्र में स्ट्रीट लाइट लगाने, उनकी मरम्मत करने और स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया है। नगर परिषद इस कंपनी को करीब 2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस फीस देती है। स्ट्रीट लाइट को लेकर वाड़ी नगर परिषद में 2018 से समझौता है। 3 साल हो चुके हैं और समझौते को 4 साल बाकी है, लेकिन यह कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही। हालांकि स्ट्रीट लाइट को लेकर वाड़ी नगर परिषद को शिकायत की गई, लेकिन देखा गया कि 2 महीने से शिकायत पर अमल नहीं हुआ। खड़गा रोड पर स्ट्रीट लाइट दिन में काम करती नजर आई, लेकिन कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट अभी भी बंद है। माना जा रहा है कि बिजली विभाग की इस कंपनी से मिली भगत है, अतः देखा जा रहा है कि वाड़ी नगर पंचायत विभाग इस और अक्षम्य रूप से बेखबर है। कुल मिलाकर बिजली विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह उस क्षेत्र में विद्युत लाइनों को निरीक्षण करे और पता करे कि ऐसी स्ट्रीट लाइट क्यों लगी है और इसके खिलाफ उपाय करने की मांग की गई है। कहां लाइट की आवश्यकता है, कहां बंद है, कहां शुरू है, यह सब पर नगर परिषद का ध्यान होना आवश्यक है, परंतु कंपनी व बिजली विभाग की मिलीजुली सरकार से जनता अंधेरे में है। नगरपालिका के अनुसार यह एक साधारण कार्य है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम अवधि का होने के बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है और बिजली का बिल बेवजह बढ़ रहा है। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।